किस तरीके की चर्चा है यहाँ पर? बकवास चर्चा है सबकी, मोदी की तो सबसे बकवास। अच्छा। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता, ठीक है ना? गरीब आदमी को नौकरी है, नौकरी है तो पैसे वालों को है, ठीक है? गरीब आदमी बीए पास भी बच्चा फिर रहा पागलों की तरह। कारण क्या है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, महंगाई इतनी कर रखी है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में प्रमुख मुद्दों के तौर पर उभर कर आ रहा है। उभर के आ रहे हैं। कुछ लोग मिले थे कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कौन बोल रहा है बेरोजगारी है? अभी एक रिक्शे वाले को देखो तो 1000 रुपए कमा रहे हैं। कोई ऐसे दो काम आप बताइए जो बीजेपी की सरकार में आप कहें कि बहुत अच्छे ये काम हुए और लोगों को इन कामों को देखकर बीजेपी को वोट करना है। काला पैसा बंद करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार नहीं होने देंगे। इस बार तो होने देंगे, लेकिन जीतेगा केजरीवाल, जेल है बंदे। केजरीवाल जीतेगा, जेल है बंदे, जेल से केजरीवाल जीतेगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में होते हुए दिल्ली में पहुंची है और दिल्ली की कुछ सीटों को हमने आपको दिखाया कि किस तरीके का माहौल उन सीटों पर है। और आज हम पहुंचे हैं वेस्ट दिल्ली सीट पर। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत जो हैं उम्मीदवार हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से यहाँ से महाबल मिश्रा को टिकट मिला है। किस तरीके का माहौल है, लोगों के बीच में क्या चर्चा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और वहीं इंडिया अलायंस को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत साहू है। रंजीत साहू, ये बताइए अब चुनाव है लोकसभा के और सबको वोट डालना है, इस बार क्या लग रहा है इस सीट से, वेस्ट दिल्ली की सीट से किसकी ज़्यादा चर्चा है? बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को यहाँ से टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में। आम आदमी पार्टी आएगी इधर से? आम आदमी पार्टी बिल्कुल। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, जब जो यहाँ पर दिल्ली पे आम आदमी पार्टी का चुनाव चल रहा है ज़्यादातर। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के काम, आम आदमी काम करते हैं, बीजेपी काम नहीं करते हैं। अच्छा, बिल्कुल साफ बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो लगता है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे? किस मुद्दे पर 400 पार आएगी? किस मुद्दे पर 400 पार आएगी वो? इसको कोई काम करके दिखाया है 400 पार का? यदि 300 पे आया तो 300 पे काम होना चाहिए ना। यदि 300 के ज़्यादा से काम आएगा तो उनके बाद तो 400 पार जाएगी वो सरकार। जब कोई मुद्दा काम नहीं किया है तो कैसे 400 पार आ जाएगी वो? बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि भाई राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। 370 हटा दी, विकास क्या हुआ है? विकास को बताइए ना पहले, कोई ऐसा विकास बताइए जिससे आम पब्लिक को या गरीब को फायदा हुआ हो आज तक? बीजेपी का एक भी ऐसा योजना बताइए जो अपनी निकाली हो। बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा है क्या इस चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा इसी की सरकार में देखने को आ रही है। ठीक। 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे घटिया चलाया हो तो बीजेपी ही चलाया है, इससे ज्यादा कोई नहीं चलाया। कितने नंबर देंगे 10 में से? 0। 0 0 बीजेपी। ये तो कह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 10 साल का कार्यकाल है 0 नंबर दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, खासतौर पर वेस्ट दिल्ली सीट की अगर मैं बात करूं? यहां से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को उतारा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा है, क्या चर्चा है यहां पर? नहीं, आम आदमी पार्टी जीतेगी है तो। आम आदमी पार्टी, क्या कारण है? कारण क्या, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने, और जैसे लेडीज़ वगैरह हो गई, मतलब गरीबों के लिए बहुत कुछ अच्छा कुछ कर रखा है। मतलब जो लोकल जो मुद्दे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, लोकल मुद्दे काम कर रहे हैं सर। ठीक है। बीजेपी की तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है जो उम्मीद, लेकिन उम्मीद इसी की है आम आदमी पार्टी की। बीजेपी के जो सांसद थे उनका तो टिकट कट गया है यहाँ से, कैसा कामकाज रहा था उनका? सर कुछ नहीं है ऐसा कामकाज, खाली आम आदमी पार्टी की तरफ से ही जो भी कुछ काम हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हुआ है। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी ये कहती है कि भाई शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अंदर चले गए हैं, बाकी नेता भी अंदर हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा है? नहीं, खैर शराब तो बंद करवा देनी चाहिए, खैर जब ऐसा कुछ है तो शराब तो बंद करवा देनी चाहिए ना बीजेपी को। मैं कह रहा हूँ कि शराब घोटाले में तमाम जो नेता आम आदमी पार्टी के अंदर हैं उसको लेकर लोगों में किस तरीके की चर्चा है? क्या ये मुद्दा आम आदमी पार्टी को बैकफायर कर रहा है या फिर बीजेपी को बैकफायर कर रहा है? नहीं, ये तो खैर इनको झूठ बोल के चाहे जैसे भी है वो करा जा रहा है। अच्छा। टॉर्चर करा जा रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग नहीं मानते? नहीं, नहीं मानते लोग। बीजेपी का 10 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा आपके हिसाब से?
जब से आम आदमी पार्टी आई है जब से तो कुछ नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ऐसी है। और आम आदमी पार्टी का तो खैर ये केजरीवाल कर ही रहा है, खैर गरीब जनता के लिए, गरीबों के लिए देख रहा है। देखो गरीब लोगों को क्या चाहिए, एक रोजी रोटी और जो भी चाहिए होता है, अपना मेहनत करता है सब कुछ। अब चाहे बीजेपी जीते चाहे कोई भी जीते, लेकिन गरीब आदमी तो अपनी मेहनत करके ही करेगा। हाँ तो केजरीवाल में से कितने नंबर दोगे बीजेपी की सरकार? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्या हाल है आपके? फिर आ गए आपके पास, बोलिए। ये बताइए, चुनाव आ गए हैं अब जी, क्या माहौल लग रहा है इस सीट पर? माहौल तो सही है जी। आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी जी। क्या कारण है? वो काम है, थोड़ा बढ़िया करते हैं, थोड़ा सही भी करते हैं जी, और कुछ नहीं। आप जो जिसका नसीब होगा वही आएगा। अच्छा, ये जो 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज रहा, इसको कैसे देखते हैं? उनका सही चाल चलन, काम करने सब बढ़िया होते हैं। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? ये मोची काम करते हैं, ये होता है तो लेबर का काम करते हैं। अच्छा जी, काम वाम मिल जाता है? हाँ मिल जाता है जी। ये जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं महाबल मिश्रा जी, ये कैसे कैंडिडेट हैं? वो भी सही है, वो भी ठीक है जी। अब देखिए जिसका नसीब होगा वो अपने आप आएगा। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं। नमस्ते माता जी, कैसे हैं? ठीक है माता जी। अब चुनाव आ गए हैं, आम चुनाव, देश के लोगों को प्रधानमंत्री चुनना है, आपको अपना सांसद चुनना है। ये वेस्ट दिल्ली की सीट है, यहाँ से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को उतारा है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो महाबल मिश्रा हैं। किस तरीके की चर्चा है यहाँ पर? बकवास चर्चा है सबकी, मोदी की तो सबसे बकवास। अच्छा, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता। ठीक है ना, गरीब आदमी को नौकरी है, नौकरी है तो पैसे वालों को है। ठीक है, गरीब आदमी बीए पास भी बच्चा फिर रहा पागलों की तरह। मतलब महंगाई और बेरोजगारी भी मुद्दे हैं? मुद्दे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, 10 साल के प्रधानमंत्री के कामकाज को 10 में से कितने नंबर दोगे? एक भी नहीं है, जीरो है। जीरो। और दूसरा, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो मरे हुए हैं, उनकी भी डेथ की भी नौकरी इसने खत्म कर दी मोदी ने, गांधी ने। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये शराब घोटाले में अंदर किया है, ये मुद्दा भी काम अंदर हो या ना हो। अच्छा, जो केंद्र मंत्री है ये तो यही है ना बीजेपी का। ठीक ठीक ठीक, जब केंद्र की नौकरी नहीं निकाले तो क्या निकालेगा ये हरामी। ठीक है, क्या नाम है सर? गोपाल कुमार। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर? हाँ जी, क्या मतलब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज को 10 में से कितने नंबर? उनको तो 10 को 10 देना चाहिए। 10 की 10, क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ, बेरोजगारी बड़ी है देश में। वो तो है, वो तो है। क्या करते हैं आप? हम भी बस यही जॉब ही कर रहा हूँ। क्या नाम है गुड़िया? सुनीता। सुनीता जी, ये बताएं, अब चुनाव है, दिल्ली को वोट डालने हैं, ये वेस्ट दिल्ली की सीट है, इस सीट से कमलजीत सहरावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को उतारा है, क्या लग रहा है इस बार, क्या चर्चाएं हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो कांग्रेस ही जीतेगी और क्या होगी, कांग्रेस ही जीतेगी और क्या। कांग्रेस? हाँ जी। मतलब इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके कैंडिडेट जीतेंगे आप? हाँ जी। क्या कारण है उसका? अब क्या कर रहे हैं मोदी भी, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो मोदी जी वाली पार्टी है, ये तो ये कहते हैं विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। विदेशों में जा रहे हो आप, जा रहे हो या हम जा रहे हैं? हमें दिल्ली में रहना, दिल्ली का चाहिए हमें, फिर क्या हुआ? ठीक ठीक ठीक। मेरे आदमी की नौकरी है, 10 साल हो गए अभी तक नहीं मिली केंद्र में, कलावती हॉस्पिटल की। क्या कर रहे हैं मोदी, जब मरो हूँ की नौकरी खत्म कर रहे हैं? अगर जिसके घर में दो है मत दो, ठीक है ना, और जिसके कुछ भी नहीं है उसको तो दो, फिर क्या कर रहा है ये 10 साल से? अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इशू है, आपका नाम? साइमा। इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इशू है, ये लोगों को कुछ समझ आ रहा है, इसकी चर्चा है? पता नहीं, सारे कमल के नंबर आ रहे हैं समाचार में देखा है। अच्छा,
बस ठीक है ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है, कैसे हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन जी, अब चुनाव है देश में, देश को प्रधानमंत्री चुनना है और इस सीट पर लोगों को सांसद चुनना है। बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से महाबल मिश्रा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन किसको टक्कर दे रहा है? कमल, बीजेपी। क्या कारण है? वो सही कर रहे हैं। कोई ऐसे दो काम आप बताइए जो बीजेपी की सरकार में आप कहें कि बहुत अच्छे ये काम हुए हैं और लोगों को इन कामों को देखकर बीजेपी को वोट करना चाहिए। काला पैसा बंद करवा दिया। क्या बंद करा दिया? काला पैसा, ब्लैक मनी। हाँ। अच्छा। दूसरा? दूसरा दूसरा पता नहीं। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? सुजाता। सुजाता जी, जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काला पैसा बंद करा दिया, आपको लगता है? हाँ, वो तो उस टाइम लॉकडाउन से पहले कराए ही है, पर अभी भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर का हो गया और गरीबों की हेल्प करना, घरों के लिए पैसा दिया है, टॉयलेट बनवाए या कितनी जगहों की, इसलिए यहाँ तो बीजेपी मुद्दों को भी लोग देख रहे हैं और उनका रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ये अब शराब घोटाले में अंदर हैं, इस मुद्दे की को लेकर भी चर्चा है क्या लोगों के बीच में, ये ठीक हुआ या गलत हुआ? होगा, जैसे हमें तो इतनी वो नहीं है जानकारी, ज़्यादातर तो घर पे रहते हैं, पर जो नॉलेज में थोड़ा बहुत आता है उस हिसाब से तो बीजेपी को याद। बीजेपी ठीक है। चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, गर्मी का मौसम है, जूस भी चल रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? शकुंतला। मुझे ये बताइए, अब आम चुनाव है, यहाँ से वेस्ट दिल्ली की जो ये सीट है, बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं उम्मीदवार, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है इस बार, कौन कितना मजबूत है, किसकी इस बार सीट जाने वाली है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल कैसे रहे? मोदी के तो हालात खराब है, हमें तो पसंद नहीं है वो। अच्छा, क्या कारण है? कारण क्या है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, महंगाई इतनी कर रखी है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में प्रमुख मुद्दों के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। उभर के आ रहे हैं, यही प्राइवेट कर दिया गया है। वैकेंसियां कितनी कम कर दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है, तो बच्चे पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे? युवाओं को नौकरी नहीं है। हाँ ठीक। और इतना दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे, तब भी सक्सेस नहीं है। महंगाई को लेकर भी क्या चर्चा है? बहुत ज्यादा महंगा, सिलेंडर कहाँ से कहाँ आ गया है। दाल चावल देख लो, कोई भी, हाँ, आलू प्याज टमाटर हर चीज महंगी है, कुछ भी देख लो, छोटी से बड़ी तक। तो इस बार क्या करने वाले? हमारे बच्चे घर में बैठे, हम काम कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं इस बार, फिर बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस। ठीक है ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ भाई साहब एक बैठे हैं, लोगों को छोड़ते हैं उनके गंतव्य तक। क्या नाम है सर आपका? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद भाई, ये बताइए, अब आम चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आंकड़ा, या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस ब्रेक लगा रही है? ब्रेक लगा रही है। क्या कारण है? कारण ये है कि उनका नीति गलत चल रहा है। किसका? मोदी जी का। क्या नीतियाँ गलत चल रही है? जो सही काम कर रहे हैं उसको प्रतिबंध लगा रहे हैं। अच्छा, किस पर? केजरीवाल पे। अच्छा, ये मुद्दा है कि केजरीवाल को जो अंदर कर दिया है उसको, वो जो मुद्दा है बैकफायर कर रहा है बीजेपी के लिए। हाँ, गलत है, लोगों में नाराजगी है। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र? बिल्कुल गलत है। कितने नंबर दोगे 10 में? 0। 0 है। ठीक है ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र चावला, इनसे बात कीजिए। कोई बात नहीं चावला साहब, पहले आपसे कर लेंगे फिर उनसे भी कर लेंगे। हाँ जी, बताइए। ये बताइए, आपने तो यहाँ पर कई चुनाव देखे हैं, वेस्ट दिल्ली की ये सीट है, बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा, इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस और आपका गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसकी तरफ से महाबल मिश्रा है। क्या लग रहा है इस बार, लोगों के बीच में क्या चर्चा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 10 साल के कामकाज हैं उनको लेकर आप क्या कहते हैं? हमें तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही अच्छा किया है, पूरे वर्ल्ड में नाम किया है हमारे देश का,
और वो ही आएंगे और 400 प्लस से ही आएंगे। 400 प्लस आपको उम्मीद है कि? उम्मीद है, 90% उम्मीद है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो महंगाई और बेरोजगारी की लोग बात कर रहे हैं पीछे, कोई भी नहीं है महंगाई बेरोजगारी, सब कमा रहे हैं सब खा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये मुद्दा है? नहीं, सब कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का। ठीक है, और ये जो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या बीजेपी को बैकफायर करेगा या आम आदमी पार्टी को बैकफायर करेगा ये मुद्दा? नहीं, किसको करेगा? आम आदमी पार्टी को ही बैकफायर करेगा, क्योंकि उनकी इमेज पूरे दिल्ली में खराब होती है। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं जी बेगुनाह है, झूठे मामलों में फंसा। सर अगर उनको पकड़ा गया है, कोई सबूत होंगे, तभी ईडी उनके घर जा करके उनको अरेस्ट करके लाई है। ऐसे तो इतने बड़े लेवल पे कोई नहीं जा सकता है। अच्छा, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? 10 में से? 10 में से सर 9। 9 नंबर? 10 में से 9। आपका नाम पूजा। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या इंडिया अलायंस? बीजेपी आएगी। बीजेपी, ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है 2024 के चुनाव में देश का। एक मिनट बात करेंगे, आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है मित्र? बैग टांग के कहाँ जा रहा है? आ जाओ। ये क्या नाम है? भास्कर मिश्रा। भास्कर मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए, चुनाव है अब, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार नहीं होने देंगे। इस बार तो होने देंगे, लेकिन जीतेगा केजरीवाल, जेल है बंदे। केजरीवाल जीतेगा, जेल है बंदे, जेल से। केजरीवाल जीतेगा, जेल से चलाएगा सरकार। पंडित जी ने कह दी कि केजरीवाल जीतेगा, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे? चोर है साला, चोर है, कुछ करता ही नहीं। अरे देश पूरा खा गया। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया तो उसका भला भी तो हो गया, आधा पैसा तो खा भी गया ना ये जेल। 370 भी तो हटवा दी। हाँ, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, हाईवे भी बनवा दिए। पहले फायदा देखता है ना अभी, तब चुनाव लड़ता है। अब चुनाव आ रहा है, आप चोर कह रहे हो? चोर तो है, हमारे लिए कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? इमरान। इमरान भाई ये बताओ, अब चुनाव आ गए हैं, क्या सोच रहा है देश इस बार, और ये वेस्ट दिल्ली का जो वोटर है ये क्या सोच रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा है इस बार, बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाई तो कमलजीत शर्मा का ही है, कांग्रेस पार्टी का भारी लग रहा मुझे। कमलजीत का है। कमलजीत का मजबूत कैंडिडेट है। और महाबल मिश्रा? बेहतरीन है, वो भी दोनों मजबूत हैं। दोनों मजबूत है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बेहतरीन रहा। बेहतरीन रहा, बस किला। कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। ये तो कह रहे हैं जी बढ़िया काम हो रहा है। जी बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया। क्या बढ़िया हुआ? जो जो भी हुआ सब कुछ बढ़िया ही हुआ। कोई दो काम ऐसे बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो यूँ कहें कि हाँ ये दो काम बढ़िया करें और देश के लोगों को वोट करना चाहिए। हाँ तो गुंडागर्दी कम होगी। अच्छा, गुंडागर्दी कम होगी जी, बढ़िया। कहाँ से हो? मेरठ से। मेरठ से, यूपी से, मतलब बाबा जी के यहाँ से। हाँ, बाबा जी ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है सर आपके? बहुत जी। क्या नाम है आपका? अभय। अभयनाथ। अभयनाथ। अभयनाथ जी ये बताइए, अब चुनाव है, वोट डालने हैं आपको, ये वेस्ट दिल्ली की सीट है, कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस के, महाबल मिश्रा, कमलजीत बीजेपी से हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, किस तरीके की टक्कर है, क्या चर्चाएँ हैं? अभी तो वैसे केजरीवाल तो आगे है, अभी केजरीवाल आगे है। अच्छा, केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया शराब तो, घोटाले में। नहीं अब तो छूट गए ना सर। हाँ छूट गए, अभी जेल में ही है मित्र, तो संजय सिंह छूटे हैं, जेल पे बाहर आए। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? सही है, अच्छा है। ठीक रहा? मोदी ठीक कर रहे हैं, ठीक किया का। हाँ जी ठीक है, चलिए। हाँ भाई ठीक हो रही है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ सही चल रहा है, अब की बार मोदी सरकार जीतेगा। अच्छा हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? विपिन मतलब उत्तम नगर में। उत्तम नगर? हाँ। सरकारी स्कूल? हाँ सरकारी, दिल्ली सरकार का। हाँ पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है? सही हो रहा है। आ जाओ आज
आ जाओ। नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? क्या हुआ? कुछ नहीं, चुनाव को लेकर बात करने के लिए आए हैं। अब आम चुनाव है, देश को वोट डालने हैं। वेस्ट दिल्ली जो ये सीट है आपकी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मैदान में हैं। किस तरीके की चर्चाएं हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? हम तो सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, बाहर की खबर पता नहीं लगती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा, ये कैसा रहा? बढ़िया, अच्छा एकदम। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। कोई 3 ऐसे काम बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में जो बेहतरीन हुए हों, और उन कामों को देखकर लोगों को ये लगे कि हाँ एक बार फिर मोदी सरकार। सारे काम बढ़िया हुए हैं, कौन से काम अच्छे नहीं हुए? कोई 3 काम ऐसे एड्रेस कीजिए। अब देखिए, वो शराबबंदी का कितना अच्छा काम कर रहे हैं, शराब की नीति। नहीं तो यहाँ पे ठेके होते थे एक के साथ एक फ्री में, यहाँ पे लोग सड़क पे पड़े होते थे ड्रिंक कर करके, कोई लोग काम पे ही नहीं जाते थे सारा दिन। सबसे अच्छा वही काम करा उन्होंने, उसी से लोग काम पे जाने लगे, ड्यूटी पे जाते हैं। सारी चीज़ें वो घर की के साथ ही मिली हुई होती हैं। अब घरों में लोग पैसे लेके जाते हैं, फैमिलियाँ सही है, खुश हैं। शराब नीति अच्छे काम करा उन्होंने। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे कौन से रहने वाले हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई, ये सब भी मुद्दे रहने वाले हैं? बेरोजगारी तो है नहीं इतनी ज़्यादा, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा बेरोजगारी है। सबके पास रोजगार है, सब महिलाएं मिली थी, वो कह रहे थे कि रोजगार नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, है सब है, पढ़े लिख जाए, कंपनियाँ खुली हैं, MNC इतनी कंपनियाँ खुली हैं सब जगह, इतने पूरी दिल्ली में मॉल खुले हुए हैं सब, अनपढ़ बच्चों को भी वहाँ नौकरी है, जॉबें मिल जाती हैं, इतनी शॉप्स हैं, इतने ऑफिसेज हैं, सब जगह मिल जाती हैं अनपढ़ को भी। पढ़े लिखे बच्चों के लिए MNC इतनी कंपनियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसमें वो सब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से सरकारी नौकरियों के लिए जब युवा अप्लाई करते हैं और पेपर लीक जब हो जाते हैं, प्राइवेट आदमी हमें दिल्ली में तो नहीं होता ऐसा, दिल्ली से बाहर ही होता है ये सब। दिल्ली में तो सुना नहीं, कभी देखा नहीं आता कि दिल्ली में पेपर लीक हुए हैं या कुछ हुआ। नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अंतिम वर्ष होता है पेपर देने का, और उसमें पेपर लीक हो जाए तो वो साल भी ख़राब हो जाता है, और जो उसने वो पीछे पढ़ाई की है वो भी ख़राब चली जाती है। उस पर तो काबू लगाना चाहिए इनको, वो नहीं होना चाहिए, सख्ती की जरूरत बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए। क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम जी, ये बताइए, एक तरफ BJP है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, इस बार किसको चुन रहा है देश? BJP। क्या कारण है? वो अच्छे काम कर रहे हैं। कोई 3 अच्छे काम बताएं BJP? हैं, 3 तलाक कर दिया और राम मंदिर बना दिया, और जो है 370 हटा दिया, और क्या यार देखो जगह जगह UPI चल रहा है, डिजिटल इंडिया कर दिया और आगे भी करेगा। कुछ लोग मिले थे कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे कौन बोल रहा है बेरोजगारी है? अब एक रिक्शे वाले को देखो तो 1000 रुपये कमा रहे हैं। कौन बोल रहा है बेरोजगारी है? जो घर में बैठे उसको कहाँ से पैसे आएगा? क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। 10 साल पहले क्या करते थे? 10 साल से ही रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, 10 साल से रिक्शा चला रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार है, इसमें आपके जीवन स्तर में कुछ सुधार आया है इन 10 सालों में? नहीं, हम अपना कमा के खा रहे हैं, लेकिन अच्छे खा रहे हैं इसके राज में। तो ये जो लोग बोलते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, उनको क्या कहेंगे? जो बैठे है बेरोजगार है वो तो बैठे बोलेगा ही बोलेगा, वो तो हवा में तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा। जो अपन बैठे हैं, जो काम करना नहीं चाहते, उसको चाहिए सरकारी नौकरी, बैठे बैठे चाहिए पैसे। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख के सरकारी एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? लीक हो जाते तो उस पर सरकार करेगा, सुधार करेगा सरकार, और क्या करेगा इससे? उस पर सख्ती की जरूरत है। सख्ती की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? रमा। रमा जी, ये बताइए, आप चुनाव आ गए हैं, अब आपको वोट डालने हैं, देश में प्रधानमंत्री चुनना है, इस वाली जो सीट, ये जो वेस्ट दिल्ली की सीट है, इसमें आपको सांसद चुनना है, BJP और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला? मुझे तो BJP पसंद। BJP, क्या कारण है? अच्छा काम करती है। अच्छा काम कर रही है। ये तो विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि कुछ नहीं किया, 10 साल में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। उनका तो काम है मेहनत करो तो बहुत काम है, ना करो तो कुछ भी नहीं है।
करने वाला होना चाहिए। हम तो घरों में काम करते हैं, देखो अभी करके आ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती कि मुझे दो, मेरे हाथ पैर सलामत है और मैं कर रही हूँ काम। अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में चले गए हैं, ये मुद्दा भी है क्या दिल्ली में? है तो।